हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी। फ्रेंड्स, आज हम यूपीएसआई का 17 जुलाई शिफ्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, ये एक्चुअली मेरा ही पेपर था, मैं इसको देके आया था। ये इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने मुझे क्वेश्चन याद हैं और जिस तरह का पैटर्न पूरा अपनाया हुआ था पेपर में, वो सब मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जो मुझे याद हैं वहाँ के, वो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन वगैरह आपके आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाला है। तो ये पहला ही दिन था, आज पहला ही एग्ज़ाम था। तो ये दोस्तों, इसको देखते रहिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये 17 जुलाई आज आज ही का एग्ज़ाम है ये, और आज ये चार फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं, ये एग्ज़ाम जो है चार सेक्शन में डिवाइड है आपका। जैसे 2010 टाइम पे 2014 का हम एग्ज़ाम पेपर देख रहे थे, उसमें हमारा सामान्य हिंदी था ही नहीं, तो इस बार सामान्य हिंदी है हमारा पहला सेक्शन। दूसरा मूल विधि एवं संविधान है। तीसरा संख्यात्मक मान एवं मानसिक योग्यता है। और फोर्थ सेक्शन आपका है मानसिक अभिरुचि और परीक्षा। इसमें दोस्तों, इसके 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चन के लिए 100 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, हर सेक्शन का क्वेश्चन 2.5 मार्क का रहेगा आपका। और मूल विधि संविधान के भी 40 क्वेश्चन है, और इसके मानसिक एवं संख्यात्मक ये है आपका, इसके 40 क्वेश्चन है। आपके मानसिक अभिरुचि के भी 40 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर 400 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम है, जिसमें कि 160 आपके क्वेश्चन आए हैं। 160 क्वेश्चन हैं, 400 मार्क्स 160 क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड का ये पेपर दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पेपर खुद मैंने अटेम्प्ट किया है आज। तो आइए फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं टॉपिक वाइज, जैसे सामान्य हिंदी और मूल विधि है, ये तीन चार सब्जेक्ट हम लोगों के पास हैं। इनमें से पूछा कौन कौन से टॉपिक से गया है रिलेटेड, मैक्सिमम किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक बिल्कुल ही मिस कर दिए गए हैं, यानी वहाँ पूछा ही नहीं गया है उनके एग्जाम के बारे में। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। पहले सामान्य हिंदी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में देख लेते हैं। पहले हमें वचन है, वचन में आया था आपका एक वचन या बहुवचन। एक वचन आपको दिया गया था, उसके पूछा गया था कि बहुवचन इसका बताइए, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था अध्यापक है, अध्यापक का बहुवचन बताइए। तो इस तरह के आपके 3 क्वेश्चन दिए गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद में मुहावरे, मुहावरे पे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे आपके। रिक्त स्थान भरने के लिए आया था, कोई एक मुहावरा बना दिया था, उसके बीच में लोकोक्ति बना दी थी, लोकोक्ति को आधा गायब कर दिया था, जो फिक्स लोकोक्ति होती हैं, तो उनमें आपको भरना था क्या क्या आएगा, इसमें ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो 2 क्वेश्चन इसके यहाँ से आए थे, विलोम शब्द और आपके विपरीतार्थक शब्द 3 क्वेश्चन उसके थे पूछे गए थे। आपको अपोजिट बताने थे, समानार्थी शब्द के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये आज के पेपर का है फ्रेंड्स, ये जो सेकंड शिफ्ट हुई है आपकी, उसी में से जो क्वेश्चन थे मेरे याद हैं, मेरे याद से ये सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। और रचनाकार हिंदी पुरस्कार में, जैसे कि 2015 में साहित्य अकेडमी अवार्ड थे, तो वो किसे दिए गए हैं, कितनी लैंग्वेज में। और एक गद्य आया था दोस्तों, ये गद्य आपको वहीं पढ़ने को मिल जाएगा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है जो मेरे उसमें आया था। तो हिंदी के जो वर्ड्स हैं इसमें कुछ काफ़ी सारे इस्तेमाल किए हुए थे, जिनका मीनिंग नहीं मैं जानता था उनका। तो काफ़ी सारे ऐसे मीनिंग होते हैं हिंदी में भी जो नहीं पता होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको गद्य को समझने में। तो विशेषण पर एक क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन विशेषण पर था, और एक अलंकार पर था। अलंकार पर आपके 3 क्वेश्चन आए थे, यमकश्लेष अनुप्रास अलंकार वगैरह, ये सब मिला के 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका संज्ञा का पूछा था, सीधे संज्ञा, संज्ञा में एक एग्जांपल दे दिया था, पूछा था ये कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, इनके सबके क्वेश्चन अभी मुझे जो है मेमोरी बेस्ड है, मुझे याद हैं। अब देखते हैं हम इनके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी देखते हैं वचन में से किस तरह से, मुहावरे में से, एक एक क्वेश्चन में मुझे याद है अभी इनका सबका, मैं जो आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या आए थे मेरे उसमें, मेरे शिफ्ट वाले पेपर में। आइए फिर इसके वचन का क्वेश्चन देख लेते हैं, उस पर क्या था फ्रेंड्स। जैसे कि ये है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में आज के, यानी जो अटेम्प्ट मैंने किया था, मेरे लिए पहला क्वेश्चन था यही, भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसमें तो छाटना है आपको, भारतीय का क्या होगा, भारती तो नहीं हो सकता बहुवचन, और ये आपका भारतीयों नहीं, ये भी नहीं था, ये ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में डले हुए थे। भारतीयों ये भी नहीं होगा, भारतीयों आपका ये होगा, ये ऑप्शन फ्रेंड्स। ये इसी तरह की जो है 3 क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम में। और सेकंड क्वेश्चन था आपका, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग बताना है, ये आपका अध्यापक होता है मेल, तो अगर फीमेल में उसको बताना हो, यानी स्त्री रूप उसका बताना हो,
तो इसका इसको बोलते हैं अध्यापिका, फीमेल वर्जन होगा अध्यापक का, अध्यापिका। ये लिंग के ऊपर भी है एक बेस क्वेश्चन, लिंग वचन और ये सब एक साथ मिला के आते हैं तीनों, लिंग और एक भारतीय शब्द का जिस तरह से बहुवचन पूछा था, एक शब्द का और बहुवचन पूछा था इसी तरह से बिल्कुल। तो तीन क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं इससे, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन मिला है आपको। दोस्तों फ्रेंड्स ये फिक्स है क्वेश्चन, इस तरह के पेपर में पूछा गया है बिल्कुल, ये डेफिनेटली पूछा गया है, बाकी सेट में भी देखने को मिला है क्वेश्चन इस तरह का। फ्रेंड्स जैसे ये आपका मुहावरा है, सेकंड जो आपका आया था, मतलब सेकंड टाइप जो था हिंदी का, तो मुहावरा था ये सेकंड वन है कि आपका घड़ो पानी पड़ जाना, ये आपका एक मुहावरा दिया गया है। घड़ो पानी पड़ जाना का सही अर्थ क्या है? ए स्नान करना, बी परेशान होना, सी अत्यंत लज्जित होना, या सी सिर पर पानी डालना, इस तरह के ऑप्शन भी आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अत्यंत लज्जित होना, घड़ो पानी पड़ जाना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इसी तरह से दो तीन और पूछे हुए हैं मुहावरे, सीधे सीधे पूछे हुए हैं। एक मुहावरा आपको बता दिया जाता है और उसमें खाली ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, पूछते हैं कि जैसे अभी इसमें घड़ों पानी पड़ जाना है, यहाँ से पानी को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ खाली ये ब्लैंक छोड़ देंगे पानी की जगह, यहाँ घड़ों पड़ जाना, तो इसके बीच में पानी है, कुछ कुछ और डाल देंगे, दूध है, कुछ इस तरह से लिक्विड वगैरह का नाम दे देंगे, और यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा नीचे से। तो ये फिक्स है आपके घड़ों पानी पड़ जाना, ये कहावत भी है मुहावरा भी है, तो इस तरह से इसको वही फिक्स चीज़ भरी जाएगी जिसमें पहले से बोली जाती है, कहावत में आती है हम लोगों के सुनने में। तो ये हो गया आपको मुहावरा, अगला देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है, राकेश, मोहन, सीता और श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? ये नाम हमें दिए गए हैं और बताना है कि संज्ञा का टाइप कौन सा है आपको। फ्रेंड्स जब कभी भी नाम आए आपके, जैसे रमेश, सीता, गीता, नाम हिंदुस्तान वगैरह, ये सब नाम और बता देता हूँ मैं आपको, श्याम है, कृष्ण है, राम है, इंद्र, विष्णु, महादेव, देवी या देवताओं के नाम है, जिस तरह सरस्वती, गीता और आपके कामायनी, गोदान, जनसत्ता, ब्रह्मपुत्र, नदियों के नाम भी हो सकते हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका, जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, ये आपके दशहरा, ईद जो त्यौहार वगैरह हैं, ये सब के सब आपके क्या हैं, ये जातिवाचक होते हैं, सब जातिवाचक होते हैं ये, ठीक, ये जातिवाचक को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, वो हैं जातिवाचक। आपका सही आंसर ये ऐसे ही इस तरह से कुछ नाम डाल के दे देगा आपको, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिर ये इस तरह से कुछ भी नाम आपको डाल के दे सकता है, बोलेगा अमेरिका, ब्रिटेन, गंगा, जनसत्ता, हिंदुस्तान, गोदान, ये जो है कौन सी संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, जातिवाचक संज्ञा को, या फिर आपको जातिवाचक ना देकर कोई दूसरी संज्ञा दे सकता है, जैसे क्या अभी अभी आपको दे देगा, ये ऑप्शन ही बदल देगा, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको इसका टाइप, बोल दे मनुष्य है, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य बोल दिया उसने, देवता बोल दिया, देवी बोल दिया, देवी बोल दिया, या फिर आपको कोई भी कुछ भी बोल दे, आदमी बोल दिया, बोलेगा पूछेगा कि इनमें ये जो है कौन सी संज्ञा से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको ये देखना होगा, ये तो एक ही सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राकेश, रमेश वगैरह, ये एक आदमी है, एक व्यक्ति है, कोई भी हो जाए, अगर जैसे मनुष्य है तो मनुष्य तो एक जाति है ना, पूरी मनुष्य जाति होती है, ठीक है, मनुष्य में आदमी है, औरत है, औरतें हैं, बच्चे हैं, मतलब सब लोग ये मनुष्य में आते हैं। देवता वहाँ देवताओं के नाम थे, खाली नाम से रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में हम, यहाँ खाली देवता, देवता में तो बहुत सारे देवता आ जाएंगे, 33 करोड़ देवता हैं, सबके अलग अलग नाम होंगे, तो देवता एक ग्रुप हो गया, वैसे ही देवियाँ, देवी या देवियाँ, तो ये भी ग्रुप होती हैं, बहुत सारी देवी हो सकती हैं, वैसे ही आदमी भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, ये ग्रुप हैं सारे। अगर ग्रुप वालों की बात की जाएगी तो फ्रेंड्स ग्रुप के लिए आपको यहाँ आता है, ये अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि मनुष्य, देवता, देवी या आदमी जो है इनमें कौन सी संज्ञा है, तो आपका आंसर होगा, क्योंकि ये समूह है, ग्रुप बना रहे हैं, तो ये बोलेंगे इनको समूहवाचक, समूहवाचक आपकी ये हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा, ठीक फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ ग्रुप बन रहे हैं इसलिए आपको यहाँ समूहवाचक है, या फिर ये ना पूछ के आपको इस तरह से भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, ये सारे बता दे रहा हूँ टाइप आपको कि ताकि क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा है तीनों तीनों चारों शिफ्ट पर ही। तो अभी जैसे कि शराब है आपके पास, लिक्विड है, लिक्विड शराब है, जैसे क्या सोना, चांदी, और ये लोहा आपका हो सकता है, और आपका तांबा, कांसा, जितने भी है, ये तेल, घी, दूध, दही, तेजाब वगैरह, पीतल, ये सब ब्लड, ये सब कहाँ आएंगे आपके, द्रव्यवाचक में, जो द्रव्यवाचक होगा आपका, द्रव्यवाचक क्या होंगे, जो लिक्विड्स हैं आपके, नाम से पता लग गया द्रव्य, तो ये लिक्विड है,
तो इनमें लिक्विड होने के साथ साथ तेल, पानी, घी, इनके साथ साथ मेटल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं द्रव्यवाचक में, ठीक। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, ये सब जो हैं ये भी इसमें इंक्लूड होंगे द्रव्यवाचक में। उनको ऐसे ही पूछ लेगा क्वेश्चन कि इनमें बताइए कि शराब, सोना, चांदी, पारा में कौन सा आपका संज्ञा है, तो आप बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक के मैं और उदाहरण बता देता हूँ। समूहवाचक के जैसे आपके उदाहरण वाला भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं। सभा हो रही होती है, सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। प्रदर्शन कहीं पर हो रहा हो, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। समुदाय होता है, सैलाब होते हैं, जनसमूह, बैठकें होती हैं, जमावड़ा कहीं होता है, मंडली कहीं बनकर बैठी होती है, जमघट होता है, गिरोह होता है, पार्टियां होती हैं, दल हैं, बाजार हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मिलन है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसीलिए ये जो होता है समूह एक तरीके से फॉर्म करती है भीड़ जो होती है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। भाववाचक संज्ञा एक और होती है, ये कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है आपकी। ये व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, समूहवाचक होती है और आपकी द्रव्यवाचक होती है, जिसमें कि हमने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। भाववाचक और देख लेते हैं। भाववाचक जैसे अभी कोई है अपनापन है, जैसे कि बंधुत्व है मान लेंगे इनको, शीतलता, मिठास, क्वालिटी जो होती है आप एक तरीके से कह लेंगे उसको भाव। तीखापन है जैसे मीठा, फीका, तीखा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा बुढ़ापा हो सकता है, लड़कपन हो सकता है, मित्रता हो सकती है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी ये, ठीक। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका संज्ञा बेस्ड क्वेश्चन। तो संज्ञा को इस तरह से कवर किया जाएगा इन क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पैटर्न सेम है बिल्कुल, ठीक। अगला देख लेते हैं किस टॉपिक से उठाया था क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के लिए ऑप्शन दिए गए थे आपके, ऑप्शन में दे रखा था एक दो प्रकार के, ऑप्शन सेकंड दे रखा आपके 3 प्रकार के, ऑप्शन फोर थर्ड दे रखा था आपको 4 प्रकार के, तो और डी दे रखा 5 प्रकार के, या फोर्थ जो है दे रखा था 5 प्रकार के हैं। तो इसके टाइप बताने थे विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली ये होते हैं 3 प्रकार के, तो यहाँ 3 टिक करना है। और ये भी देख लेते हैं होते कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, नंबर दूसरा था गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 होता है संख्यावाचक विशेषण, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, नाम तो आपने पता ही लग गया होगा इनका। 3 टाइप के होते हैं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया था आपका ये आज के एग्जाम में, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें विशेषण में, बिल्कुल एक स्पेशल आपका बनता है, एक नंबर का फिक्स है ये, मैं करके गया था इसको पहले और ये एग्जाम में मुझे मिल गया था एज इट इज। जैसे कि अभी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे देखते हैं राठौर बहुत ही अच्छा निशानेबाज है, मैंने कह लिया कि कोई भी नाम ले लेते हैं आप, अजय बहुत ही अच्छा निशानेबाज है, अजय बहुत ही अच्छा निशानेबाज है, ये मैंने लिखा है यहाँ। तो अजय बहुत ही अच्छा निशानेबाज है, इसमें अगर कोई पूछे कि विशेषण क्या है, तो विशेषण आप बताएंगे कि जो किसी चीज़ की विशेषता बताता हो, ठीक। तो अभी यहाँ विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है यहाँ, अच्छा, ये विशेषता बता रहा, क्वालिटी वर्ड है ये विशेषण आपका। अब इसको ऐसे क्वेश्चन को लिख के दे देगा आपको, बोलेगा कि इस पूरे सेंटेंस में विशेषण को पहचानिए, ऑप्शन में डाल देगा आपके बहुत ही अच्छा है या फिर निशानेबाज, इनमें से ये आपको डाल देगा ऑप्शन में, पूछ लेगा कि इनमें से आपका विशेषण कौन सा है। तो अच्छा तो हो गया विशेषण। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है कि प्री विशेषण क्या होता है। प्री विशेषण एक होता है विशेषण, एक होता है प्री विशेषण। प्री विशेषण वो होते हैं, तो आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि इस वाक्य में प्री विशेषण क्या है, ठीक। तो जो विशेषण की वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हों, तो अच्छा है यहाँ पर ये विशेषण है, तो विशेषण की विशेषता बताने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत ही। तो बहुत ही इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्री विशेषण। तो दोस्तों ध्यान रखना प्री विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो खाली जो विशेषता होती है ना, विशेषण होते हैं, विशेषणों की ही जो विशेषता बताते हैं, ठीक, उनको बोलेंगे आप प्री विशेषण। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, और ये अभी आपके लिए हिंदी काफ़ी हेल्पफुल होगी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। इसमें से आपके समास नहीं पूछे गए थे बिल्कुल, जो टॉपिक नहीं छुआ गया था मेरे सेट में, समास नहीं पूछा, उपसर्ग प्रत्यय नहीं पूछा आपका, उपसर्ग प्रत्यय नहीं पूछा, और अलंकार पूछे थे आपके। अलंकार आप तीनों 4-5 अलंकार हैं, इनको भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स, यमक, श्लेष, अनुप्रास, ये तीनों याद कर लीजिए। और अभी यहाँ पर जैसे कि आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, समानार्थी और अनेकार्थी,
समानार्थी, सॉरी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ये शब्द भी पूछे गए थे आपके। फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन ये था इसमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, ये आज का क्वेश्चन था आपका। तो साहित्य पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। देखते हैं इसको कैसे, किस तरह से, इसमें दो तीन क्वेश्चन और छुपे हैं हमारे। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन है आपके, 22 लैंग्वेज हैं, 24 लैंग्वेज हैं, 8 हैं और 10 हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं के लिए जाते हैं, आपका शेड्यूल 8 है आपके पास में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है शेड्यूल 8 आपकी, अनुसूची आठ में जो है 22 भाषाओं के बारे में लिखा गया है, जो हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं, 22 भाषाएं हैं इंडिया की। तो 22 भाषाएं तो ये हो गई, ठीक, प्लस दो अदर लैंग्वेजेस और हैं आपकी, दो और भाषाएं हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि आठवीं की भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया, कि अनुसूची आठ में भाषाओं को रखा गया है, ठीक। तो कितनी भाषाएं अनुसूची आठ में बताई गई हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो 22 भाषाएं जो है अनुसूची आठ में बताई गई हैं, तो 22 भाषाएं ये हो गई आपकी, दो अदर भाषाएं और हैं। तो एक भाषा है आपकी राजस्थानी, राजस्थानी भाषा, और सेकेंड भाषा है आपकी इंग्लिश। तो साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार दिए जाते हैं आपके, तो दोस्तों ये दिए जाते हैं, टोटल 22 ये हो गई और दो ये हो गई, टोटल 24 लैंग्वेजेस में जो है आपके साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ये इतनी फील्ड हो गए लैंग्वेजेस के। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आया था। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया होगा, ये सही तरह से मैंने आपको बता दिया इसको। फ्रेंड्स, एक रचनाकार के ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, जैसे कि भरत मुनि की रचना जो है कौन सी है, भरत मुनि के बारे में पूछा गया था, इनमें से भरत मुनि की रचना कौन सी है। एक आपको राइटर दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसकी रचना, ऑप्शन में डाल दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, हमें बताना, जैसे अंधेर नगरी, चिंतामणि, नाट्यशास्त्र, गबन, तो इनमें से छाटना है कि भरत मुनि ने कौन सी रचना लिखी थी। आपको अगर पता होगा तो सीधे लिख देंगे, ये बहुत ही फेमस बुक है फ्रेंड्स, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में, जीके तक में ये डाल देते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ तो हिंदी में डाला हुआ है इन्होंने। तो इनकी जो रचना है ये नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि की बहुत फेमस बुक है जो इनकी लिखी हुई है, जो हमारा इंडियन थिएटर है, भारतीय नाट्यशास्त्र या इंडियन थिएटर कह रहे हैं इसको, इंडियन थिएटर जानते ही होंगे आप, भारतीय रंगमंच जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये पूरा का पूरा इंडिया में जितने भी थिएटर होते हैं ये नाट्यशास्त्र पर बेस्ड होते हैं। नाट्यशास्त्र में जितने सूत्र हैं बताए गए अभिनय को करने के, एक्टिंग को करने के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, तो नाट्यशास्त्र के अंदर बताए गए हैं। ये डांस से रिलेटेड भी है और ये अभिनय से रिलेटेड भी है। तो ये आपका हो गया, अभी इस एग्जाम में तो आपसे भरत मुनि के बारे में, ये नाट्यशास्त्र के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट में आपसे हो सकता है इसको भी पूछ लिया, अंधेर नगरी किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका कहेंगे, अंधेर नगरी को जो लिखा है वो है, इसके रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सेकंड क्वेश्चन में आपका ये क्या है, चिंतामणि वैसे ये किसी और ने लिखा है। उसी तरह ये सब अलग अलग गबन है, जैसे ये मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, मुंशी प्रेमचंद के भी बहुत सारे आपके जो हैं रचनाएँ बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे इनकी प्रेमचंद के नाम से प्रेम भी है इनकी, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये इनकी चार पांच है जो इनके नाम से, गोदान, गबन, इस नाम से आप याद रख सकते हैं, इनकी चार कृतियाँ, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये चारों अलग अलग हैं, एक सी राइमिंग हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ उनको, गोदान, गबन, सेवा सदन, तो ये चारों जो हैं प्रेमचंद की हैं। इस ऐसा नहीं है कि चार ही लिखी इन्होंने, बहुत सारी इंडियन ढेर सारी हैं इनकी। तो ये तो हो ही चुका आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है आपका, अभी बताया था 24 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे एग्जाम में तो नहीं आया आज के में, लेकिन ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये इसको याद रख लेना आप, 14 सितंबर, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल, तो इसको भी याद कर लेना, क्या पता ये आपके एग्जाम में ये मिल जाए आपको ये क्वेश्चन, ठीक। तो अभी और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे तुलसीदास की एक रचना है रामचरितमानस, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, रामचरितमानस जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये तो पता लग जाएगा कि तुलसीदास की एक क्वेश्चन ही हो गया रामचरितमानस, और ये जो है किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो ये अवधी भाषा की है, ये याद रखेंगे इसको। उसी तरह से दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं इसी तरह से आपके इसमें, आपके हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके, जो जो समानार्थी शब्द हैं वो मैं नहीं, आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं से कोई सा भी आपको पूछ लेगा कि इसका विलोम बताओ, इसका समानार्थी बताओ, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ऐसा पर्टिकुलर मैं नहीं कह सकता कि यहाँ से ही आएगा वो आएगा। तो
दोस्तों 5 क्वेश्चन आए थे उसके समानार्थी के और विलोम के भी आए थे फ्रेंड्स, और समास के, समास भी आप पढ़ने पड़ेंगे समास भी आपको। तो फ्रेंड्स ये था मैंने ओवरऑल जो ऊपर ऊपर से बता दिया आपका, इतने ही क्वेश्चन मैं याद कर पाया रख पाया था वहाँ वहाँ के जो मेरे आज के एग्जाम में हमसे पूछे गए थे। फ्रेंड्स इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी नेक्स्ट पार्ट में अभी जो है आपका जीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर ये आपने नहीं देखा ना, जीके नहीं समझा, तो ये पेपर आप जो है इसमें जो 50 में से आपके 40 क्वेश्चन में 20 नहीं कर पाएंगे अगर इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा आपने तो। तो ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप भी अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आज ही डाल दूंगा, नेक्स्ट पार्ट भी आज ही डाल दूंगा जिसमें कि जीके मैं डिस्कस करूंगा और आपका जीके रीजनिंग होगी, मतलब जो इसी इसी पोर्शन में पूछे हुए हैं, और रीजनिंग के साथ साथ में जीके रीजनिंग होगी और मैथ्स हो गया। मैथ्स के साथ साथ में मैं बताऊंगा आपको आईपीसी से कहाँ से क्वेश्चन आए थे, आईपीसी से क्वेश्चन कितने आए थे, ठीक वहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आपको। तो आप फिलहाल ये जो है इसको देखिए, आज हिंदी का आप कर लीजिए इतने, और मैं जो है इसको अभी आपको अपडेट करा दूंगा ये जीके के और रीजनिंग मैथ्स। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं ये, अगर आपको आइडिया ले लेते हैं आपको, यानी कल का एग्ज़ाम है, परसों एग्जाम, फिर ये भी 10 दिन लगभग 17 से 31 तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए और करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।